दोस्तों आपने कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा जिसमें लाखों में हजारों में फॉलोअर्स होते हैं, और कुछ इंस्टाग्राम जो कि सेम बिजनेस करते हैं वहां पे फॉलोअर्स ही नहीं आते। मेरे को काफी लोग पूछते हैं कि हम मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों आपकी बिजनेस की ग्रोथ, आपकी बिजनेस की मार्केटिंग डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। ज्यादातर लोग अपने अच्छे से एडवर्टीजमेंट नहीं बना पाते, उसके कारण उनको ज्यादा लोग नहीं आ पाते, उनके पास ज्यादा फॉलोअर्स नहीं आ पाते, इवेंचुअली उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली सिखाने वाला हूं कि कैसे अपने आप से बिना या कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किए अपनी खुद की एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है। मैं हर चीज एडवर्टीजमेंट के बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि बिना कुछ इन्वेस्ट किए कैसे आप एक बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हो जिसको देख के हजारों लोग आपके बिजनेस को फॉलो करेंगे और इवेंचुअली आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो दोस्तों किसी भी टाइप की एडवर्टीजमेंट को तीन पार्ट में तोड़ा जा सकता है, तीन पार्ट में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट होता है कस्टमर अटेंशन, कि आप लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब करते हो। फिर होता है कस्टमर रिटेंशन, कि आप लोगों का ध्यान कैसे केंद्रित करके रख सकते हो या कितने अच्छे से आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के, अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हो। और फिर होता है कॉल टू एक्शन, कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट बताने के बाद लोगों को अपने सेल्स फनल पे लेके आते हो या लोगों को रीडायरेक्ट करते हो कि वो आपके कस्टमर बन जाए, या उनको बताते हो कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को खरीदना कैसे है। तो ये तीन चीज अगर आप अच्छे से फॉलो कर लिए तो लोग इजीली आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, ये समझेंगे कि कैसे उस प्रोडक्ट को अवेल करना है या उस प्रोडक्ट को खरीदना है, और इवेंचुअली आपके कस्टमर बन जाएंगे और रिकरिंग कस्टमर बन जाएंगे। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। जो कस्टमर अटेंशन होता है उसमें आपको दो सेंटेंस के अंदर, सिर्फ दो सेंटेंस के अंदर बताना है कि आपका सॉल्यूशन क्या है, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, और उसके साथ ये बताते हो कि क्या बेनिफिट होगा, क्या वैल्यू मिलेगी आपके कस्टमर को। फिर जो सेकेंड पार्ट है कस्टमर रिटेंशन, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है। और ये जो कस्टमर रिटेंशन है ये बेसिकली आप 7 पॉइंट से बताते हो, 7 अलग अलग तरीके से बताते हो, जिसको बोलते हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग। बहुत सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होती है। सबसे पहला P होता है प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो या अपनी सर्विस के बारे में बताते हो। फिर होता है प्राइस, जिसमें आप बताते हो कि प्रोडक्ट की आपकी प्राइसिंग क्या है। फिर होता है प्लेस, कि कहां आप खरीद सकते हो। फिर होता है प्रमोशन, कि क्या डिस्काउंट्स या क्या ऑफर मिल सकते हैं अभी खरीदने में। फिर होता है फिजिकल एविडेंस, कि कितने लोगों ने ऑलरेडी खरीद चुका है और लोगों का फीडबैक कैसा आया है। फिर होता है पीपल, कि किन किन लोगों के ये प्रोडक्ट यूज आ सकता है। और उसके बाद होता है प्रोसेस, कि एट दी एंड आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना कैसे है, या बेसिकली आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली ये जो 7 पार्ट है ये आपको अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से सेकंड पार्ट में कस्टमर रिटेंशन में समझानी है लोगों को। और थर्ड पार्ट है कॉल टू एक्शन, जिसमें आपको लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर बताना है या फिर अपना ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट बताना है जिससे लोग खरीद सके, और उसके साथ एक और चीज बताना है ताकि लोग अभी खरीदे उनको कुछ फ्री में कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए उनको कुछ डिस्काउंट या कुछ ऑफर भी देना है। जैसे अगर आप मुझे अभी व्हाट्सएप करते हैं या अभी खरीदते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है, लोग बहुत जल्दी कॉल टू एक्शन लेते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है जो हर एड में यूज होती है। अब दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाता हूं कि कैसे आपको एक इमेज एड खुद से बनानी है। देखिए जो इमेज ऐड होती है वो भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एक सिंगल इमेज ऐड, जो खाली एक सिंगल इमेज होती है जिसमें आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो, जो जनरली पेपर में छपती है या सोशल मीडिया पे लोग जिसको प्रमोट करते हैं। फिर होती है कैरोसेल ऐड, जो कि मल्टीपल इमेजेस होती है। जैसे आप इंस्टाग्राम में देखे होंगे स्वाइपेबल पोस्ट रहते हैं, उसमें बहुत सारे कैरोसेल पोस्ट भी रहते हैं जिसमें आप मल्टीपल इमेजेस में अपनी एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं। मैं आपको सिंपली इमेज एड्स बताऊंगा क्योंकि एक वीडियो में मैं बहुत बड़ा पार्ट कवर नहीं कर सकता, तो मैं इमेज एड के बारे में बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हम सबसे पहले खोल लेते हैं canva.com। canva एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप इजीली अपनी इमेज डिजाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको इमेज पोस्ट बनाना है वो इजीली यहां से आप बना सकते हैं। canva के ऊपर हमारा पूरा एक कोर्स है कि canva को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पहले कोर्स जाके बाय कर सकते हैं, वहां से कोर्स से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक इंस्टाग्राम पे शॉप रन कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ और बेसिकली ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर ऑनलाइन बिजनेस का मैं एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट करूंगा वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज में जाते हैं और ये ब्लैंक पेज में अपने जो भी आपका ब्रांड का कलर है उसका एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। ब्रांड के कलर का बैकग्राउंड लेने के बाद जो सबसे पहले हम चीज लिखेंगे वो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एट द रेट होलसेल प्राइस।
इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं कैच। कैच मतलब वही कस्टमर अटेंशन, जो सबसे पहले लोगों का अटेंशन ग्रैब करेगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये जो सॉल्यूशन है मैं लोगों को दे रहा हूँ, ये बेसिकली जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बता रहा हूँ। एट होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस एक लोगों के लिए वैल्यू एडिशन है, लोगों के लिए बेनिफिट है कि लोग मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे। तो ये दोनों चीज़ को मिला के मैंने एक सेंटेंस बनाया है जिसमें मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। इस पार्ट को बोलते हैं कैच। इसी के जैसे आप भी अपना कोई एक कैच दो सेंटेंस का रख सकते हैं जो लोगों का सबसे पहले ध्यान खींचेगा। फिर इसके बाद दोस्तों मैं अपना लोगो लगाता हूँ। ये सपोज जस्ट एक हाइपोथेटिकल मैंने एक लोगो लगाया है, तो लोगो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लोगो से ही लोग आपके बिजनेस को याद रखते हैं, उसको बेसिकली रिमेम्बर करके रखते हैं कि हाँ ये है। फिर लोगो लगाने के बाद मैंने अपने बिजनेस का नाम भी लिखा है। देखिए लोगो में आप ये भी चीज़ ऐड करें कि बिजनेस का नाम होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने देखिए जो जो कैटेगरी में मेरा बिजनेस डील करता है या मेरा ऑनलाइन बिजनेस काम करता है वो कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। वो प्रोडक्ट की फोटोज मैंने डाली हुई है ताकि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको समझ आ जाए कि ये कैटेगरीज के प्रोडक्ट हम बेचते हैं, ये कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है। फिर दोस्तों मैंने बेसिकली एक फिजिकल एविडेंस डालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने शॉप की जो स्क्रीनशॉट है, इंस्टाग्राम अकाउंट की स्क्रीनशॉट है, वो यहाँ पे डाली हुई है। तो ऐसे आप भी डाल सकते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट जिसमें लोगों को लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने पोस्ट हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास 1,000-2,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो ये टेक्निक बहुत अच्छी यूज़ आती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन लिखता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस इन व्हाट्सएप डायरेक्टली, और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ जिससे लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि बेसिकली ये मेरी शॉप है, ये कैटेगरीज में मैं डील करता हूँ, ऐसा मेरा ऑनलाइन बिजनेस दिखता है। यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं इस पार्ट में। और यहाँ पे बेसिकली मैं कॉन्टैक्ट उनको एक कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वर्टिकल पोस्ट है, ये पोस्ट यू नो जनरली इंस्टाग्राम की जो स्टोरी होती है उसमें बहुत अच्छी चलती है। अब इस एडवर्टीजमेंट को मैं बना के इसको प्रमोट करने के 10 अलग अलग तरीके हैं। कोई बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकता है, या फिर इंस्टाग्राम में किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ के उसके अकाउंट से आप पोस्ट करवा सकते हो ताकि हजारों लोग देखें। क्या होता है, कई लोग ऑनलाइन मार्केटिंग या प्रमोट करना जानते हैं, मैंने कई सारी वीडियोज में बताया कि प्रमोशन कैसे करना है, लेकिन लोगों को एडवर्टीजमेंट नहीं बनाना आता। तो इससे ये होता है कि लोग एडवर्टीजमेंट देखते तो हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है, मतलब कोई बिजनेस को फॉलो नहीं करता है या फिर उस बिजनेस से कनेक्ट नहीं हो पाता। और इसी के कारण आप प्रमोशन में कितना भी पैसा डालते हो वो सीधा वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए एक एडवर्टीजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आते हैं वीडियो एड्स में कि हमको वीडियो एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि वीडियो एडवर्टीजमेंट से बहुत सारे लोग आपको तेजी से फॉलो करते हैं। इमेज एड्स बहुत अच्छी चीज है, इमेज एड्स से भी बहुत फॉलोअर्स आते हैं, लेकिन वीडियो का अलग ही क्रेज है। वीडियो एडवर्टीजमेंट 400 गुना ज्यादा इंटरेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू इमेज एडवर्टीजमेंट। वीडियो एड्स तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले स्लाइड शो वाली वीडियो, जो कि बेसिकली जिसमें बहुत सारी इमेजेस रहती है, सिंपली आप कैनवास से जिसमें इमेज बना सकते हैं और ऐसे ही सिक्वेंस में इमेज लगा के एक स्लाइड शो बना सकते हैं। प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिससे आप इजिली इस टाइप की स्लाइड शो वीडियो बना सकते हैं। एक एप्लीकेशन का नाम बताऊं तो काइंड मास्टर नाम का एक ऐप है जिससे आप स्लाइड शो वीडियो बना सकते हैं, काफी इजी होता है। लास्ट में आपको ये करना होता है कि उसमें एक अच्छी सी बैकग्राउंड म्यूजिक डालना पड़ता है, या फिर अगर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सको तो आप मेरी जैसे एक वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये बोया का माइक है जो मैं यूज करता हूँ, ऐसे माइक से वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए और अपनी एक वीडियो एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर लीजिए। सेकेंड होती है लाइव वीडियो एडवर्टीजमेंट, जो आप देख रहे हैं अभी जो मैं YouTube में बनाया हूं, मैं लाइव आके बेसिकली अपनी एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैं खुद ही अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं या कैसे लोग बेनिफिट ले सकते हैं उस चीज के बारे में बता रहा हूं। तो बेसिकली लाइव वीडियोस में ये होता है कि आप खुद ही आगे आके अपनी खुद की एक वीडियो बनाते हो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को लेके उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो। जैसे आपने देखा होगा कई लोग यू नो वॉचेस को डायरेक्टली रख के दिखाते हैं कि देखिए ये क्वालिटी की वॉचेस है या ये क्वालिटी के शूज है। आप खुद ही एक लाइव वीडियो बनाइए, खुद ही बोलिए ये बोया का माइक है, आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फिल्मोरा, फिल्मोरा को यूज कर सकते हैं।
जिससे इजीली आप अपनी खुद की एक लाइव वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। और तीसरी चीज है क्रिएट अ वीडियो फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसर। जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम पे, जिनके पास हजारों में फॉलोअर्स हैं, जो बहुत अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, उनको आप थोड़ा पैसा दीजिए और वो ही आपकी एक एडवर्टीजमेंट वीडियो बना देंगे। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, आप सभी हिंदुस्तानी भाऊ को तो जानते होंगे, काफी फेमस है सोशल मीडिया पे। इन्होंने देखिए एक बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट बनाई है, देखिए। इंस्टाग्राम पे एक पेज है shoemaster.in, घड़ी, जूते, कपड़े, अच्छा अच्छा सनग्लासेस। तो ऐसा कुछ आप भी डायरेक्टली सेलिब्रिटीज से कनेक्ट होके अपने लिए एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली लोग सेलिब्रिटीज के ऊपर तो ट्रस्ट करते ही है, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो लोग आपके पास भी आएंगे और बहुत अच्छा आपको रिस्पांस आएगा। यहां से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत ग्रो होगा, आपके पास ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे और इवेंचुअली आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो दोस्तों एक वीडियो में जितना कवर हो सकता था मैंने कोशिश की। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैंने एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर और भी ज्यादा अपने रीसेलिंग बिजनेस मास्टरी कोर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप कोर्स के अंदर जाके इसी चीज को डीप में भी समझ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप अपने आप से, अपने खुद से एक एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करेंगे और अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है fiverr.com। आई एम श्योर काफी सारे लोग ने सुना होगा, काफी फेमस है। fiverr.com से आप ऐसे लोगों को खोज सकते हैं जो आपके लिए वीडियो क्रिएट करें, आपके लिए इमेज क्रिएट करें, तो आप उनको पैसा देके उनसे क्रिएट करवा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए वीडियो। और इजिली आप इस वीडियो या इमेज एड्स को अपने फेसबुक में, अपने ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, बहुत अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। दोस्तों हम व्हाट्सएप में मार्केटिंग करने के लिए भी एक नया टूल लेके आए हैं जिसका नाम है WA Server, जहां से आप डायरेक्टली बल्क में अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप कर सकते हो, वो भी सिर्फ 15 पैसे में। तो नीचे मैं उसका लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो अपने कस्टमर्स को या बेसिकली अपने रीसेलर्स को आप इजीली बल्क में व्हाट्सएप कर सकते हैं थ्रू WA Server। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं sethialakshit@gmail.com पर।